हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, इसलिए मुश्किल कुशा का नाम लिया। कुछ लोग ये कहते हैं मौला अली को मुश्किल कुशा कहना ये शिर्क है, या गौसल मदद कहना ये शिर्क है, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा था। नहीं, हमारे सुन्नत वल जमात अली को मुश्किल कुशा मांगते आए हैं, माने या गौसल मदद कहते हुए आए हैं कहेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله। ऐ नबी अलैहिस्सलाम, इनसे फरमाइए कि भला गौर तो करो कि जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो। अरूनी माज़ा खलकु मिन अल-अर्द, मुझे दिखाओ तो कि जमीन में कौन सी चीज है जो उन्होंने पैदा की हो, जिनको तुम अल्लाह के मुकाबले पर पुकार रहे हो। ये तदऊनी लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन आप देखें जिन लोगों ने भी शिर्क को छुपाने की कोशिश की है, तौहीद का मुकदमा बिगाड़ने की कोशिश की है, अगर आप उनके तर्जमे उठा के देखेंगे ना, तो उन्होंने तदऊन का तर्जमा ही बदल दिया होगा, या उन्होंने तर्जमा कर दिया होगा कि अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, ताकि किसी के दिमाग में ना आए वो, क्योंकि हाँ नहीं, हम तो शेख अब्दुल कादर जानी की इबादत तो नहीं करते, लेकिन यहां तो जिक्र था पुकारने का, या पुकारने का तर्जमा पुकार कर देंगे लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे जिन्हें तुम माबूद समझ कर पुकार रहे हो। यही काम पीर करम शाह साहब ने भी किया इसमें, कि जो मेरे हाथ में तर्जमा है, ब्रैकेट लगा दी, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर माबूद समझ के पुकारेंगे फिर तो शिर्क होगा, और बगैर माबूद समझे हुए पुकारेंगे तो वो तौहीद बन जाएगी। तो ये कौन सी तौहीद है, आपको इन्हीं आयात में पता चल जाएगा कि अल्लाह के अलावा किसी भी हस्ती को मदद के लिए नहीं पुकार सकते। वैसे आप जितना मर्जी पुकारें किसी को, नमाज में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अल्लाह ताला जमीन आसमान में तमाम नेक बंदों तक तुम्हारा सलाम पहुँचा देगा, क्योंकि उसमें आते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिह। तो या रसूलल्लाह से तो कोई इनकार ही नहीं है, आप पुकारें कोई अर्ज नहीं, लेकिन जैसे ही आप या रसूल अल्लाह मदद कह देंगे, ये अब आप डिविनिटी में क्लेम कर देंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी को मदद के लिए पुकारते हैं। ये वाली जो मदद है ना, दुआ वाली, ये सिर्फ अल्लाह से हो सकती है। जाहिर इस बाब में तो आप मुसलमान क्या काफिरों से भी मदद मांग सकते हैं, लेकिन कहीं आपको कोई रवायत नहीं मिलेगी कि किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बाद आपको मदद के लिए पुकारा हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उनकी वफात के बाद, यानी आपने गज़वे उहद में सैयदना हमज़ा शहीद हुए हैं तो आपने गज़वे खंदक में कभी पुकारा हो या हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अल मदद, ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। अब जो सामने आप उससे ज़रूर मदद लें, वो तो ज़ाहिर इस बाब है। फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है बारिश के ऊपर, आज तक किसी के दिमाग में भी आया कि हम कहें कि या मीकाईल अलैहिस्सलाम मेहरबानी फरमाइए और आज बारिश फरमा दीजिए, किसे पुकारते हैं? तो भाई मौला अली अलैहिस्सलाम को, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहिमहुल्लाह को कैसे पुकारा जा सकता है? मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, मौला अली का शिया भी वो होगा जो अल्लाह को पुकारेगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बाकी ये टॉपिक ऐसा है कि इसको कहीं भी अनअटेंडेड मैं नहीं छोड़ता, तौहीद चूंकि इस्लाम की बुनियाद और जड़ है। इसमें मैंने एक लेक्चर दिया है, मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, उसी पर मेरा रिसर्च पेपर नंबर 3 भी है, उसमें मैंने सारे वसवसे सेटल किए 1.5 घंटे के अंदर, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम मसाइल। आप यूट्यूब पे जाके लिखें तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी इनसे फरमाओ किसने पैदा किया है कोई ऐसी चीज़ ज़मीन में, दिखाओ। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमानों में किसी की कोई शिरकत हो पैदाइश में? ईतूनी भी किताब बिन क़ब्ल हादा वसारत मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, ये मशहूर आयत जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, लाओ मेरे पास अगर कुरान को नहीं मानते, को पिछली किताब ले आओ, उसके अंदर लिखा हो कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा है, या नबियों के आसार चलते आ रहे हो। नबियों के आसार यानी इल्मे हदीस, तो लाओ उसमें से कोई बात करो। तो यहां पे भी इस उम्मत में भी ये होता है, हम कहते हैं कुरान दी से बात करें, वो कहते नहीं वाकयात चल रहे, ये कुरान ने इंसान को ये सबक सिखा दिया है कि दलील जो है वो रिवील्ड नॉलेज है, किताब व सुन्नत का इल्म, या दुनियावी एतबार से एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, तीसरा कोई इल्म नहीं है, ये ख्वाब और बुजुर्गों के वाकयात। इसीलिए अब वाकयात होने कम हो गए,
क्योंकि मीडिया आ गया इंशाल्लाह। मैंने कहा अब क्यामत तक कोई बुजुर्ग कब्र से निकल के किसी पुल के ऊपर जाके बम नहीं पकड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मीडिया आ गया। ये पहले भी कोई नहीं थे पकड़े हुए, लेकिन चूंकि मीडिया नहीं था तो झूठ मशहूर हो गया। अब मीडिया की बरकत से इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि झूठ को पकड़ने वाले लोग आ गए। तो ये अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई है, लोगों को अब समझ आ गई है। और ये जो कहानियां हमें बचपन से सुनाई जाती थी वो सारी की सारी अपनी मौत खुद मर गई हैं। तो लाओ कोई किताब या अंबिया के आसार अगर तुम सच्चे हो। अमन अवल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा। इबादत नहीं सर, पुकारना, पुकारेगा। मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, उसको जो क़यामत तक उसकी निदा सुनी ही नहीं सकता। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और हालत यह है कि जिस हस्ती को वो पुकार रहे हैं वो हस्ती गाफिल है कि उसे पुकारा जा रहा है। आज शेख अब्दुल कादर जिनानी को नहीं पता कि लोग उनको पुकार रहे हैं, ये अल्लाह ताला कह रहा है। कोई हस्ती नहीं जानती कि उसे पुकारा जा रहा है। वाइदा हुशीर नास, और जब क्यामत अल दिन लोगों को जमा किया जाएगा। कानू लहुम आदा व कानू बि इबादतिहिम काफिरीन, तो वो जो हस्तियां जिनको पुकारा जाता था वो उन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे जो दुनिया में उन्हें पुकारा करते थे। किसानू मरवाण लगे सो, ईसा अलैहिस्सलाम दुश्मन बन जाएंगे उन ईसाइयों के जिन्होंने उनको मुश्किल कुशा बना लिया था दुनिया में। अब इस पे क्रॉस रेफरेंस में मुझे दर्जनों आयात जुबानी याद है, लेकिन वो फिर ये सूरत मुकम्मल नहीं होगी। मसला नंबर 3 मेरा दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, वो आप देख लें। और एक यूट्यूब पे मेरा क्लिप है, लाखों लोगों ने देखा है, उसका उनवान है मुफ्ती अकमल साहब के शैतानी धोखे का जवाब। उन्होंने कहा हम अम्मी से जाके रोटी मांगते हैं तो ये भी शिर्क हो जाएगा फिर तो, यानी इस किस्म के वो शैतानी टोटके वो यानी लोगों को पढ़ाते हैं, उसको इसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये ज़ाहरी इस्बाब है मेरे भाई, अम्मी जब सामने होती है तभी रोटी मांगते हो ना। जिसकी अम्मा कब्र में आज तक उसने कहा अम्मा मुझे रोटी खिला दे, उधर भी बुलाया करो ना, वो कहेंगे नहीं कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो सर बाबों से भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती मरने के बाद, और जिंदगी में भी सिर्फ उसी बाबे से हो सकती है जो सामने मौजूद हो। और आज के जमाने का होगा तो एक और तरीका भी है कि उसको एक टेक्स्ट मैसेज कर दें, पुराने जमाने वाले को नहीं। आज तो घोरे ने आपके हाथ में ऐसी चीज पकड़ा दी है जो 4000 किलोमीटर दूर आप बात कर सकते हैं बैठे हुए। तो घोरों को सर बुजुर्ग माने फिर, अगर मानना है तो, अगर यही बुनियाद आपने बनानी है मादी तरक्की की, तो ये सब के सब झूठ हैं जो मशहूर किए। इस पे मैंने एक लेक्चर अलहदा से दिया है, मसला नंबर 121, इसी सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर कि जिन हस्तियों को दुनिया में पुकारा जा रहा है वो क्यामत वाले दिन उन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे जिन्होंने दुनिया में उन्हें पुकारा था मदद के लिए। मसला 121, और उसमें मैंने कई क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आयात इस हवाले से डिस्कस की थी। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत है, तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1479। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔